वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं कहाँ पे हूँ देखो, मैं दिखाता हूँ, अभी बारिश हो रही है एकदम तेज यार। पिछले 2-3 दिन से बढ़िया बारिश हो रही है और आज भी रात भर से झमाझम बरस रहे हैं एकदम इंद्र देवता। जयपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर हूँ यार मैं अभी इस वक्त। ये देखो पूरा का पूरा है ना, बारिश है ना, पूरा माहौल भीगा हुआ है एकदम। देखो सारी सड़कों में पानी पानी हो रहा है, बढ़िया। और मेरा कैसे आना हुआ, हमारी बुआ जी क्या है, 12 जा रही हैं कोटा से, 60-70 किलोमीटर आगे है, तो 12 जा रही हैं। तो बुआ ने कहा कि यार कैब वाला सुबह सुबह आ नहीं रहा था, तो बोले तू सोया तो नहीं है, मतलब सो गया था क्या? तो मैंने झूठ बोला यार, मैं जगा हुआ था। सुबह के बज रहे हैं 4:40, 4:45 हो रहे हैं अभी यार इस वक्त। बाकी स्टेशन पे तो आपको जयपुर जंक्शन इतना बड़ा है ना, भीड़ हमेशा मिल जाएगी। देखो अभी भी ये बच्चियाँ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स खेलने वाली हैं, स्टूडेंट जो जा रही हैं, टैक्सी वैक्सी खड़ी हुई हैं, बढ़िया एकदम। जयपुर जंक्शन पे आप कभी भी आओगे ना रात को भी, तब भी आपको क्या ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार हाँ आप अकेले हो, सुनसान सा ऐसा कभी नहीं होता। यार किस चीज़ का काम चल रहा है भाई साहब, पता नहीं यार किस चीज़ का काम चल रहा है जिसकी वजह से डाइवर्जन कर दिया है बीच में। सुबह सुबह बढ़िया सुकून एकदम सड़कों के ऊपर यार, मस्त एकदम बढ़िया सड़क दिखती है ना ऐसे सुबह सुबह, अच्छा लगता है यार। वरना पूरे दिन भर ची ची पों पों ट्रैफिक की है ना, मतलब चाँ चूँ सारी लगी पड़ी रहती है, लेकिन क्या है इस वक्त आराम से सुकून से चल रहा हूँ ना तो अच्छा लग रहा है। और साथ में भीनी भीनी बारिश, आह मज़ा आ रहा है, एकदम स्वाद आ रहा है यार। ऐसी भीनी भीनी जो बारिश होती है ना, और ये वाला जो वेदर है ये फेवरेट वेदर है मेरा। बारिश ना ज़्यादा तेज़ हो, भीनी भीनी चाहे पूरे दिन चलती रहे, धीरे 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 धीरे, इससे क्या है फसलों को भी कोई नुकसान नहीं होता है और बाकी आप भी एंजॉय कर लेते हो वेदर को। एकदम सुकून भरी सुनसान सड़कें सुबह के 4:45 बजे। रात को ही क्या आलू के पराठे खा के सोया था यार, इसलिए क्या अभी तक का पेट भरा हुआ है, मतलब सोया तो था ही नहीं मैं, है ना। अभी खाए थे करीब 12:30-1 बजे समथिंग, और 4-5 दबा के आलू के पराठे खाए थे। अदरवाइज़ अगर पेट में जगह होती ना तो बढ़िया कहीं पोए वोए खाने चलते और साथ में चाय पीते, बढ़िया एकदम इस मौसम के अंदर, और मज़ा आ जाता, तब आपको शहर के नज़ारे दिखाते। बट अभी क्या है कि घर पे दादी जी वेट कर रही होंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बुआ को छोड़ने आया हुआ हूँ, तो इसलिए अपन घर चलते हैं, वरना चिंतित हो जाएंगी यार। अच्छा नहीं है ना यार ऐसे बिना बात घर वालों को परेशान करके और अपन एंजॉय करने स्वाद लेने निकल पड़े सुबह सुबह। ये सेशन कोर्ट है यार, जहाँ पे दिन भर है ना पूरा का पूरा इतना हाहुल्लड़ लगी रहती है, और अभी इस वक्त पूरा का पूरा सुकून। गुलाब जी चाय खुला मिल गया है सुबह 5 बजे, एक चाय तो पी के चल ही लेंगे यार, बढ़िया गुलाब जी से। देखते हैं यार अभी बनी है नहीं बनी है, अगर बनी होगी तो फिर एक चाय पी चलेंगे, नहीं तो चलो कोई बात नहीं यार फिर घर चलते हैं सीधा। इलायची डालिए क्या इसमें, इलायची? भाई साहब चाय वाय के हम इतने शौकीन हैं नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि यार हम जो है कहाँ चाय का सुबह रस लेने पहुंच गए। अब देखो चाय क्या है, बनी नहीं थी अभी तक, तुरंत निकल लिया। अब जो शौकीन लोग हैं ना वो तो भाई साहब एक एक दो दो घंटे भी वेट कर लेते हैं, क्योंकि पता होगा ना कि यही जगह खुली है तो बैठ जाएंगे, चाय तो पूरी सुड़प के ही और फिर ही निकलेंगे। अपन तो सिर्फ और सिर्फ दूध लवर हैं, दूध का ही टेस्ट पसंद है शुरू से ही। आपने पिछले भी अगर व्लॉग, अगर पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो देखे होंगे तो पता चला होगा, अदरवाइज अगर नए हैं तो मैं बता दूं कि अपन तो दूध के शौकीन हैं, दूध ही पसंद है सिर्फ, और रॉ जो टेस्ट होता है ना दूध का, आह मज़ा आ जाता है। बस घर पे जा रहा हूँ यार, और चीनी वीनी बंद कर रखी थी, लेकिन क्या है कि मिल जाती इस मौसम में सुबह सुबह चाय तो पी लेता मैं, पर ठीक है नहीं मिली तो कोई रिग्रेट भी नहीं है। बस जय श्री राम के साथ में सुबह सुबह की शुरुआत हुई अपनी, बढ़िया एकदम। पता नहीं कहाँ से भरा हुआ लेके जा रहा है इसको, पूरा फुल भरा हुआ एकदम। रात को 10-11 बजे बाद, और सुबह सुबह जो है 4-5 बजे, मतलब आप मान लो 7-8 बजे पहले पहले आपको जो है ना गाड़ी बहुत संभाल के चलाने की ज़रूरत है यार सच में। सामने से एक एक्सयूवी वाला ये मेन हाईवे के ऊपर आ रहा था और पूरा मुंह के ऊपर आया मेरे, क्यों? क्योंकि इसको ओवरटेक करना था और दो ही गाड़ी चल रही थी इसके आगे, पर उनको भी इसको है ना यूँ ओवरटेक करने, और मेरे मुंह पे आकर के जस्ट वो रोका है जस्ट। और बारिश भयंकर हो रही है, वो तो अच्छा हुआ उसने ब्रेक मार दिया, मुझे तो लग रहा था उसको दिख नहीं रहा है, चढ़ा के निकलेगा मेरे पे से। बस प्रभु श्री राम जो है ना बस वही रक्षा करते हैं। लेकिन क्या है आप सभी को मैंने इसलिए बोला, तो इसको डायलॉग या फिर ये मत मानना कि ज्ञान फैल रहा है यार, ठीक है, अपना बड़ा भाई बच्चा कुछ भी मान करके मानिएगा मेरी बात। ये देखो भाई हमारा आ गया सुबह सुबह, सुबह 5 बजे आ जाता है गाड़ी साफ़ करने के लिए, और मैं इसको कह रहा हूँ, मैंने कहा यार गाड़ी साफ़ पड़ी है तब भी साफ़ करेगा, देखो साफ़ गाड़ी को भी। 11:30 बजे घर से निकले हैं अपन, और दोबारा से बारिश शुरू हो चुकी है, अभी धीरे धीरे हो रही है, बीच में तेज़ हो रही थी।
वेरी गुड मॉर्निंग और ब्यूटीफुल वेदर के अंदर यार आपका स्वागत है। वेदर तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने अपने शहर के अंदर जो है ना बढ़िया अच्छा खासा वेदर हो रहा होगा। हालांकि ये बारिश का सीज़न है नहीं, बारिश का टाइम है नहीं, पर देखिए यार सारी की सारी ऋतुएँ जो है ना अप डाउन तो हो ही चुकी हैं, क्योंकि प्रकृति जो है उसके अंदर काफ़ी कुछ हम लोग जो है खिलवाड़ करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य जाति करती है और कौन करता है यार। ऐसा तो है नहीं कि प्रकृति कोई खिलवाड़ करती है, प्रकृति भैया अपना फिर रौद्र रूप दिखाती है। ये देखिए क्या बढ़िया बारिश हो रही है, मस्त एकदम वेदर, बहुत शानदार यार, बहुत प्यारा मौसम हो रखा है। पूरी की पूरी है ना मनाली वाली वाइब आ रही है, हिमाचल वाली। जब पहाड़ियों के अंदर मैं बारिश देखता हूँ ना, उसमें क्या है ठंड के साथ बारिश होती है ना, भीनी भीनी बारिश हो रही होती है, ठंड पड़ रही होती है, अच्छा खासा मतलब यार एकदम सुकून सा आ जाता है। लेकिन यार वहाँ तो हिमाचल में तो यार बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें आ रखी हैं, इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई है इस बार। और मैं जो अभी आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं ना लोग यार, इवन वहाँ के लोकल्स भी और आउटसाइडर्स भी, सारे लोग करते हैं। ऐसा नहीं है लोकल्स उनके अंदर शामिल नहीं है, लोकल्स का भी बराबर उतना का उतना ही हिस्सा है वहाँ पे, कोई माने ना माने और ज़बरदस्ती दूसरों पे छींटाकशी करने लग जाए। लेकिन हाँ जी, सबका खुद का है ना रोल है उसके अंदर, वो जो हालत हुई है ना उसके पीछे। आप अगर कुछ भी छेड़छाड़ ज़्यादा प्रकृति के साथ करोगे जो नॉन स्टॉप वहाँ पे हिमाचल में हो रही थी, तो प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखाएगी यार, और दिखाना बनता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या है फिर एक तरीके से वो होता है ना यार कि यार करी किसी और ने होती है, भुगतता कोई और है, वो भी भुगतता है, लेकिन उनके चक्कर में दूसरे भुगतते हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं ना सच में इनोसेंट मासूम होते हैं, उन्हें भी क्या है फिर इन सारी चीज़ों की वजह से है ना बहुत सारी दिक्कतें और इवन बहुत बहुत बड़ी दिक्कतें भी झेलनी पड़ जाती हैं। अभी आप सुन रहे थे, कोई भी ढंग का गाना ही नहीं आ रहा यार एफएम पे यार, चेंज कर करके परेशान हो गया हूँ। और देखें किसी पे कुछ आ रहा है तो भाई इस पे भी नहीं आ रहा। 8502055 किसी पे ही नहीं आ रहा कुछ ही। ये कुछ ढंग का सा गाना है यार, चलो बढ़िया है। जब से घर से निकला हूं ना यार 20-21 मिनट हो गए करीब करीब, तब जाकर के पहला गाना तो एक अटका था बाई चांस एफएम पे, वरना इतनी देर से बिल्डर हो गया एड और क्या क्या 18-20 मिनट से वो गाना भी चलते खत्म हो गया यार। पहले जाम में अटका हुआ था मैं इतनी देर से, तब भी कोई ढंग का गाना नहीं आ रहा था, जाम घर से निकलते के साथ ही मिल गया था यार, तो मिलना ही था यार। बारिश हो रही है ना, बारिश के अंदर लोग क्या है आधे तिरछे आगे आगे वाले जो होते हैं चलते मानते नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको क्या है ड्राइविंग वैसे तो रोज इतने अपने आप को है ना तुर्रम कहाँ समझते हैं, बहुत बड़ी आती है, बारिश के अंदर उनसे क्या ड्राइविंग ही नहीं होती है। बहुत ज़्यादा ऐसे सक पका के चल रहे होंगे ऐसे धीरे 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 ऐसे देख के, बोले नहीं अड़ नहीं जाए भिड़ नहीं जाए, अच्छी बात है यार, बहुत आप कॉशियसली ड्राइव कर रहे हो, लेकिन रोज़ भी किया करो ना, रोज तो तुम एक दूसरे में देखे मारने की पूरे पड़े रहते हो। देखो यार दिन में कितनी ज्यादा बारिश थी ना, सारी सड़कें गीली थी, पूरी की पूरी धरती ने है ना मतलब अच्छे से रोडों ने सोख लिया है पानी, सूखी पड़ी है एकदम सड़कें, ऐसा लग ही नहीं रहा कि बारिश आई भी थी। और जबकि पिछले 3 दिन से है ना बारिश ही बारिश जमाझम नॉन स्टॉप है ना, और फिर भी ऐसा है कि रोड एकदम सफाटक चट पड़ी है, एकदम सूख गई है। तो वही चीज़ है यार, कई बार लोग बोलते हैं जैसे अभी G20 समिट हुआ था, तो उस पर क्या है कि अपने जो इधर उधर के बाहर के विदेशी मीडिया हाउसेज हैं, क्योंकि विदेशियों को पता नहीं क्या इंटरेस्ट रहता है यार हमारे भारत के अंदर, कि वो जबरदस्ती घुसते रहते हैं ना, भारत के विरोधी दल भले ही नहीं गए लेकिन वो जरूर कहेंगे कि भैया पानी वानी इतना ज़्यादा भर गया है, ठीक है ना, और फिर उसमें इतनी ज्यादा दिक्कतें आ गई हैं कि मणप्पुरम जहाँ पे क्या है वो हाँ मंडपम कहीं पे कुछ हुआ था ना अपना G20 भारत मंडपम ऐसे ही कुछ नाम था ना जहाँ पे G20 अपना समिट हुआ था अब की बार जो इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था, बहुत ही शानदार रहा यार, सच में बहुत सक्सेसफुल रहा, सारे देशों ने अप्रिशिएट किया है। तो वहाँ जब पानी भर गया था ना, और 20 मिनट के अंदर अंदर पानी खाली हो गया था, तो पानी तो यार कई बार भर जाता है, ठीक है, पानी तो ऐसी जगह भी भर जाता है जहाँ पे एकदम समतल होती है ना, कहीं अप डाउन भी नहीं होता, ड्रेनेज भी प्रॉपर होती है, जबकि अपने शहरों के अंदर तो सड़कों की ड्रेनेज भी अच्छी नहीं है, तो यहाँ तो चलो भरना फिर भी है ना आपके क्या है नॉर्मल है और समझ में आता है, वहाँ पे भरा था वो उतर गया वापस से।